अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। असल में हम यहाँ पर रिएक्टिविटी के बारे में, रिएक्टिविटी का मतलब कोई चीज़ कितनी रिएक्टिव है, हम टेबल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम रिएक्टिव हैं, किस तरह से रिएक्ट करने के मैकेनिज्म क्या क्या हैं, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में दो टॉपिक सबसे अहम हैं, दो तरह के एलिमेंट्स, एक है मेटल्स और दूसरे हैं नॉन मेटल्स। आज हम कोशिश करेंगे कि मेटल्स हो जाएं, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा मेटल्स। अब मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर सकें। अब इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज़ करते हैं तो आपको पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को हम कैटायन कहते हैं। तो मेटल्स आपके पास क्या हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अभी मैंने बात की कि इलेक्ट्रॉन निकालने की साइज रखते हैं और पॉजिटिव अपने आप को बनाते हैं। अपने आप को पॉजिटिव बनाना एटम की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ये आपके पास जो मेटल्स हैं वो उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। अब इनके रिएक्टिविटी देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब कुछ मेटल्स जो हैं आपकी वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव हैं, कुछ मॉडरेट हैं। इसलिए हमने तीन कैटेगरीज बनाई हुई हैं, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। इनमें एग्जांपल लिखी हुई हैं, पोटाशियम सोडियम में वेरी रिएक्टिव मेटल में आ जाता है, मॉडरेट में जिंक आयरन वगैरह, लीस्ट रिएक्टिव में कॉपर मर्करी और सिल्वर वगैरह आ जाती हैं आपके पास। आगे हम पढ़ते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो ज़ाहरी तौर पर किस तरह से हैं। अब पहला पॉइंट ये है कि वो सॉलिड्स फॉर्म में है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। जो भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी जो दातें हैं, इनको दात इंग्लिश उर्दू में आप दात कहते हैं, इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है। दूसरा ये है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं बहुत हाई होते हैं। वो क्यों हाई होते हैं, क्योंकि इनके साइज़ थोड़े से बड़े होते हैं, और इसके अलावा इनके जो आपको पता है कि इनके अंदर एक मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो मेटल और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान पाई जाती है। इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। मेटेलिक लस्टर, इनमें मेटेलिक चमक होती है आपके पास। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी जो है ये खास मेटल्स की है। मेलेबिल का मतलब ये है कि हम मेटल्स को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम की शीट्स होती हैं आजकल। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि हम मेटल्स को हम एक वायर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह आपके पास कॉपर की वायर जो होती हैं, तो ये भी इनकी प्रॉपर्टी है कि शीट और वायर में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास जो भी आपके पास बर्तन वगैरह होते हैं वो सारे के सारे आपके जो कुकिंग वगैरह के होते हैं वो सारे मेटल के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करने देते हैं। हाई डेंसिटी, ये भारी होते हैं, हार्ड ये सख्त भी होती हैं, जिस तरह लोहा वगैरह है। ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनको आप पॉइंट्स बना के आपने याद करना है, इस आपको ईजिली याद हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वही एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की साजिश रखती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा गया है कि अपने आप को पॉजिटिव बनाती हैं ये। तो इजिली लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आए, ये तो पहले भी बात हो चुकी है। रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाती हैं। इनको हम ये आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से। फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल, ये हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भी, कि जब मेटल और नॉन मेटल्स का रिएक्शन जब होता है तो वहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, आपके पास एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। और फोर वाला पीछे मैंने इधर ही मैंने बता दिया था पीछे कि वो मेटेलिक बॉन्डिंग इनमें पाई जाती है। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है कि जो मेटल के एटम्स और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान पाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव की हम बार बार बात कर रहे हैं, इसका अलहदा भी एक टॉपिक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कहते हैं। जितने वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हम कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसकी ज़्यादा है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे हमने सोडियम को लिया है, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिंक जो है उस वो टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, सॉरी मिस्टेक से लिख दिया, तो टू इलेक्ट्रॉन आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलने आपने उधर लिखने होते हैं, और ये टू प्लस चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उसके पास चार्ज आ जाएगा। अब ज़रा इसके ट्रेंड के हवाले से देख लेते हैं। अब ट्रेंड जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव का, पहले डाउन का ग्रुप देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इस पर क्या असर पड़ता है।
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होती है, पहले मैंने स्टेटमेंट लिख दी। अब उसकी रीज़न में आपने लिखना है, उस रीज़न ये है कि साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ एटम का ऊपर से जब नीचे आती हैं ग्रुप में तो साइज़ बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है और वैलेंस शेल जो है वो बहुत दूर होते हैं, तो ईजिली आपके पास रिलीज हो सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी। अलॉन्ग द पीरियड, के पीरियड में लेफ्ट टू राइट इस पर क्या असर पड़ेगा, वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज भी होता है कि साइज ऑफ द एटम वो डिक्रीज होता है, जैसे हम ग्रुप में जाते हैं तो साइज डिक्रीज होने से वैसे ये होता है कि अगर बड़ा हो तो इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर छोटा एटम है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान फासला कम है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो उनको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा अगर छोटा एटम है, तो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल रहा। तो ये आपका सिंपली ये ट्रेंड था। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयोनाइजेशन एनर्जी, अब इनमें ताल्लुक क्या है, इनमें बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एनर्जी होती है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, खारिज करने के लिए जज़ब करता है। तो अगर तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपस में इन्वर्स है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कम होगा उसका। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, और पॉजिटिव भी वो नहीं होगा, इसलिए वो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और इसका उलट अगर लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है वो जल्दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब है लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में। फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की जो दरकार एनर्जी है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है चाहिए हमें, वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इसलिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन रह गए हैं उन पर जो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाने की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, जो कि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को दी थी, वो इसलिए कि साइज़ भी छोटा हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकल से, और जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, उसका जो पुल होता है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमारे पास है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनमें हमने कंपेरिजन करना है इनकी रिएक्टिविटी का, कि ये डिफरेंस वगैरह भी इसमें देखेंगे। अल्कली मेटल्स सिंपली ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वन है सबसे लेफ्ट पे, जो पहला ग्रुप है आपका हाइड्रोजन लिथियम वगैरह, उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप वन एलिमेंट्स, और वो रिएक्टिव होते हैं। और उनमें थर्ड चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि जितना ग्रुप नंबर होता है उस इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं उस ग्रुप के एलिमेंट्स के, तो इन सब में ही एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसलिए ऑक्सीजन स्टेट भी ऑक्सीजन स्टेट इनकी प्लस वन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने की ये सलाहियत रखते हैं। अब अल्काइन अर्थ मेटल्स, अब उनके साथ ही फर्स्ट के साथ वो सेकंड ग्रुप आ जाता है, सेकंड ग्रुप पे जो एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम वगैरह बेरियम, तो वो आपके पास अल्काइन अर्थ मेटल्स में आ जाएंगे ग्रुप टू एलिमेंट्स। वो रिएक्टिव तो हैं लेकिन अल्कली मेटल से कंपेयर किया जाए तो वो कम रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। टू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, अभी मैंने बात की जितना ग्रुप नंबर होगा उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में, तो इनमें दो सेकंड ग्रुप है तो टू इलेक्ट्रॉन है इन वैलेंस शेल, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखते हैं। अब ये तो उनका डिफरेंस था अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये आपके पास MCQ वगैरह में भी इसे पूछ सकते हैं। अब हम कंपैरिजन देखते हैं इसका, कि कंपैरिजन में क्या क्या आएगा इन दोनों के, हमने करने अल्कली मेटल्स को हमने इधर लिख दिया और अल्कलाइन मेटल को हमने इधर लिख दिए। पहला हमारा है अक्रंस, अक्रंस ये है कि ये किस हालत में पाए जाते हैं, तो अभी हमने बात की थी कि ये रिएक्टिव हैं आपके पास अल्कली मेटल्स जो हैं, तो ये कभी भी अलोन हमें मिल सकते, अकेले नहीं मिल सकती, हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब जहाँ पर भी ये बड़े होंगे ये किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके ही रह रहे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अल्काइन अर्थ मेटल भी
इनकी नस्बत तो ये कम रिएक्टिव हैं लेकिन इतने भी कम नहीं हैं, इसलिए ये भी कम्बाइन फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है जो अल्कली मेटल्स हैं, और इनकी एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वो कम होती है। और इनके उलट, अभी हमने बात की थी इधर इस टॉपिक में कि इन दोनों का ताल्लुक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एनर्जी का वो इन्वर्स है, तो अगर ये ज़्यादा है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली मेटल्स की तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर, कि वाटर के साथ दोनों किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब अल्कली मेटल्स हमने जो चूज़ किया है वो सोडियम को की है, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपने याद रखना है कि ये वहाँ पर वो बेस बनेगा, बेस की निशानी एक बहुत बड़ी है उसमें OH आयन्स होते हैं, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये OH आयन इधर से आया आपके पास H2O से, क्योंकि H2O जब टूटता है तो वो हाइड्रोजन प्लस और OH नेगेटिव आयन बनाता है, तो आपस में इधर रिएक्ट कर लेंगे और बाकी जो हाइड्रोजन बचेगा वो एज इट इज इधर से निकल जाएगा। तो जब भी अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस बनती है और आपके पास वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। फिर अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम बात करें तो हमने मैग्नीशियम को चूज़ किया, मैग्नीशियम जब H2O की सिलेक्शन करेगा तो वहाँ पर आपने याद रखना है वहाँ पे पहले ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, ये तो रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हमने देखा ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये विगोरस रिएक्शन होगा लेकिन ये लेस विगोरस रिएक्शन होगा, और ये अगर हीट करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा आपके पास इसका रेट इंक्रीज़ हो सकता है। फिर ये ऑक्साइड जब बनता है इसको दोबारा अगर H2O के साथ करें रिएक्ट तो फिर आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर OH की ट्वाइस नहीं थी लेकिन इधर OH की ट्वाइस है, वो इसलिए कि ये इसकी जो वैलेंसी है वो भी आपने याद करनी है, और आपको पता है जो वैलेंसी होती है वो एक्सचेंज होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, इधर हमने बात की ऑक्सीजन स्टेट ये वाली, तो इसलिए इधर जो 2 जो 2 चार्ज था वो इसके नीचे आएगा और इसका जो 1 था वो इधर आ जाएगा, आपके पास जो -1 है नीचे हम -+ नहीं लिखते। फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो दोनों ही आपके पास ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन जिन कंपाउंड्स में हो हम उनको ऑक्साइड्स कहते हैं आपके पास। अब यहाँ पर हमने भी सोडियम को लिया होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो वो सोडियम Na2O, अब इधर भी देख लें आप नज़र आ सकते हैं आपको ये 2 हमने लिखा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है वो 2 इधर ट्रांसफर कर दिया, और सोडियम की 1 होती है इधर ट्रांसफर करेंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और अगर इनकी बात करें तो इधर भी देख लें आप तो MgO बंड है, ऑक्साइड बंड है, ये इधर +2 ये -2 आपस में कट जाती है, इसलिए हमें नीचे नहीं लिखते। फिर उसने बात की है आपके पास अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स बने अगर उनको दोबारा वाटर के साथ उनका रिएक्शन करवाएं तो आपके पास ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बन जाते हैं, जो ये रिएक्शन है पहले भी हम कर चुके हैं। फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो वहाँ पर आपके पास वो हाइड्राइड्स बनेंगे, जिस तरह ऑक्सीजन के साथ किया था ऑक्साइड बने थे, हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो हाइड्राइड बनेंगे, तो सिंपली हमने सोडियम को चूज़ किया हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम हाइड्राइड बन गया। इधर हमने कैल्शियम को लिया तो कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। फिर इधर वैलेंसी वगैरह आपने अच्छे से देख लेनी है, अगर वैलेंसी याद होगी तो ये रिएक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, और ये आते भी होती हैं पूरा टेबल टोटल 8 पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट्स नहीं आएंगे आपको, ये वो 2 या 4 पूछ सकता है आपके पास, ये काफ़ी लेंथी है इसलिए वो 2 से 4 ही पूछता है, तो आपने इनको अच्छे से रिएक्शन को कर लेने। फिर हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजन है, हैलोजन आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं 3rd chapter में कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स उनको हम हैलोजन्स कहते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह, तो जब इनका देखते हैं कि रिएक्शन कैसे करते हैं तो अल्कली मेटल में से फिर हमने सोडियम को चूज़ किया, हैलोजन में से आप कोई भी वैसे चूज़ कर सकते हो लेकिन जो बुक में है उसने क्लोराइड लिया हुआ है, तो जब क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 2NaCl बना देगा, और इधर जब रिएक्शन होगा तो वो कैल्शियम के साथ किया है तो वो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। फिर हमारे पास इसके आगे यूजेस भी हैं कुछ सोडियम के, वो भी आपने देख लेने हैं, सोडियम जो है वो लैम्प वगैरह में यूज़ होता है, और आगे इस तरह से मैग्नीशियम वगैरह भी है वो भी आपने देख लेने हैं, इसमें कोई इतना काम नहीं है, या आपने सीधा सीधा उसके पॉइंट्स पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगी। फिर इनर्टनेस और नोबल मेटल्स हैं, अब कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो हमने पढ़ा था कि वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, वो रिएक्ट नहीं इतना करती, तो
इनमें आपके पास वो सिल्वर उसने लिखा होगा और गोल्ड के बारे में, प्लैटिनम के बारे में, सिंपली आप इनको पढ़ लीजिएगा, इनके यूजेस वगैरह, तो ये आपने खुद से रीड करना, ये आपका काम। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।